मॉड्यूल 62 स्टेजेस ऑफ प्रोडक्शन जब हम प्रोडक्शन स्टेजेस की बात करते हैं तो हम प्रोडक्शन को डिवाइड कर सकते हैं अंडर इन डिफरेंट स्टेजेस और वो डिफरेंट स्टेजेस क्या हैं हम यूजली कैटेगराइज करते हैं फर्म इज मेकिंग प्रोडक्शन इन अंडर स्टेज वन आर स्टेज टू आर स्टेज थ्री और ये जो कैटेगराइजेशन हम कर रहे हैं अबाउट द प्रोडक्शन स्टेज इट इज बेस्ड अपॉन दी कम्प्यूट वैल्यूज ऑफ मार्जिन फिजिकल प्रोडक्ट एंड एवरेज फिजिकल प्रोडक्ट फर्म इज ऑपरेटिंग अंडर स्टेज वन ऑफ प्रोडक्शन इफ इट स्टार्ट बेसिकली फ्रॉम द ओरिजन एंड गोज टू वेयर मार्जिनल फिजिकल प्रोडक्ट इज इक्वल टू एवरेज फिजिकल प्रोडक्ट हाँ जी ये कहां से स्टार्ट हो रही है कि ओरिजिन से स्टार्ट हो जाएगी और उस पॉइंट तक जाएगी जिस पॉइंट तक आपकी मार्जिनल फिजिकल प्रोडक्ट एवरी फिजिकल प्रोडक्ट के इक्वल ना हो जाए स्टेज टू आपकी स्टार्ट होगी पॉइंट से जिस जगह से स्टेज वन एंड होगी और ये जाएगी अप टू द पॉइंट वेयर मार्जिनल फिजिकल प्रोडक्ट बिकम्स जीरो और स्टेज थ्री स्टार्ट होगी फ्रॉम द पॉइंट वेयर स्टेज टू एंड टू द द पॉइंट पॉइंट अप टू वेयर द मार्जिनल फिजिकल प्रोडक्ट इज नेगेटिव अगर इसी चीज को हम ग्राफिकली शो करें तो यहां पे आप एक चीज ऑब्जर्व कर सकते हो कि द पॉइंट अप अपू वेयर एवरेज फिजिकल प्रोडक्ट इज मैक्सिम फ्रॉम ओरिजन टू द पॉइंट वेयर एवरी फिजिकल प्रोडक्ट इज मैक्सिम वो रिपोर्ट वो डिपिक्ट करते हैं आपके पास स्टेज वन ऑफ द प्रोडक्शन यहां पर मार्जिनल फिजिकल प्रोडक्ट ग्रेटर होगी एवरेज फिजिकल प्रोडक्ट से और फिर उस पॉइंट से जिस पॉइंट पे स्टेज वन एंड हो रहा है उस पॉइंट से लेके अप टू द पॉइंट वेयर मार्जिनल फिजिकल प्रोडक्ट इज इक्वल टू जीरो उसको हम रिपोर्ट करेंगे कि दिस इज द सेकंड स्टेज ऑफ प्रोडक्शन एंड द पॉइंट वेयर मार्जिनल फिजिकल प्रोडक्ट बिकम्स नेगेटिव द पॉइंट वेयर स्टेज टू एंड्स, वहां से क्या होगा कि आपके पास स्टेज थ्री स्टार्ट हो जाएगी अब जो प्रोड्यूसर है आपका उसके लिए कौन सी स्टेज ऑफ प्रोडक्शन डिजायरेबल है कि प्रोड्यूसर किस स्टेज में प्रोड्यूस करेगा अगर हम स्टेज थ्री के रेफरेंस में बात करें दिस इज एन इेशनल स्टेज कि यहां पे अगर मोर इनपुट चूज हो रहा है तो आपके पास क्या हो रहा है देयर इज डिक्रीज इन आउटपुट आर रैशनल प्रोड्यूसर नेवर प्रोड्यूस आउटपुट अंडर थर्ड स्टेज ऑफ प्रोडक्शन यहां पे बाय इंक्रीजिंग द क्वांटिटी ऑफ फर्टिलाइजर इनफैक्ट फार्मर इज ऑब्जर्विंग अ डिक्रीज इन इट्स आउटपुट एंड टू इंक्रीज द आउटपुट फार्मर को क्या करना पड़ेगा ही क्वानिटी ऑफ इनपुट ए फार्मर इज इन पोजिशन टू प्रोड्यूस मोर आउटपुट तो वो क्या करेगा वो हम डेफिनेटली डिक्रीज इन क्वान्टिटी ऑफ इनपुट करेगा टू प्रोड्यूस मोर इसी पैटर्न पे स्टेज वन भी क्या है इज एन इेशनल स्टेज ऑफ प्रोडक्शन जी इेशनल क्यों हो रहा है कि यहां पर विद द यूज ऑफ क्वानिटी ऑफ इनपुट

यहां पे क्या है दिस इज बेसिकली अ रैशनल स्टेज ऑफ प्रोडक्शन और इस रैशनल स्टेज ऑफ प्रोडक्शन में किस पॉइंट पे प्रोड्यूसर प्रोड्यूस produce करेगा ये डिपेंड करेगा ऑन द प्राइसेस ऑफ कि ये जो एक स्टेज है जो स्टार्ट हो रही है द पॉइंट वेयर एवरी फिजिकल प्रोडक्ट इज मैक्सिमम टू द पॉइंट वेयर मार्जिनल फिजिकल प्रोडक्ट इज इक्वल टू जीरो इस कम्बिनेशन इन सारे डिफरेंट कम्बिनेशन ऑफ आउटपुट और इनपुट्स के दरमियान फार्मर कोई एक कम्बिनेशन को यूज करते हुए अपने प्रॉफिट मैक्सिमाइज कर सकता है एक और चीज जो हम स्टेज टू के रेफरेंस में ऑब्जर्व कर सकते हैं कि अंडर स्टेज टू मार्जिनल फिजिकल प्रोडक्ट इज फॉलिंग थ्रू आउट देर इज कंसिस्टेंट डिक्रीज इन मार्जिनल फिजिकल प्रोडक्ट और जब हम कहते हैं देर इज कंसिस्टेंट डिक्रीज इन मार्जिनल फिजिकल प्रोडक्ट तो हम कहते हैं देयर फर्म इज ऑपरेटिंग अंडर लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल रिटर्न और ये लॉ ऑफ डिमिंशिंग मार्जिन वाइल कीपिंग द क्वांटिटी ऑफ अदर इनपुट कॉन्स्टेंट देयर इज इंक्रीज इन आउटपुट एट अ डिक्रीजिंग रेट हां जी फार्मर in के लिए भी ऑप्टीमल स्टेज ऑफ प्रोडक्शन क्या होगी फॉर फार्मर is optimal stage of production is second stage of production and among in that second stage of production there is only one combination there is only one optimal combination of output and input where he can maximize his profit